हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी एग्ज़ाम। मैं हूं आलोक सिंह। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा स्पेशल कर रहे हैं और ये आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं वेरियस इंडेक्सेस जो 2019 के हैं वो बिल्कुल अपडेटेड हैं, अभी नवंबर तक अपडेटेड हैं। ये जो भी इंडेक्सेस यानी सूची जो भारत का कितना रैंक है और टॉप देश उस रैंकिंग में, उस लिस्ट में टॉप देश कौन सा है और अंतिम देश कौन सा है, तो ये सब चीज़ें और ये इंडेक्सेस जिस जिसको ज़रूरत होगा वो निकालता कौन है, तो ये सब चीज़ जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स के तौर पर ये मेन पॉइंट्स होता है। यहाँ पे इंडेक्सेस से आपको एक न एक सवाल पूछ लिया जाता है। और ये एक चीज़ और बता दूँ कि हमने जो 1000 बेस्ट करेंट अफेयर्स का सीरीज जो शुरू किया है, उस सीरीज़ का ही ये भी एक पार्ट है। तो ये तीसरा वीडियो है, मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बिहार दरोगा स्पेशल पे कर दिया है जो कि 1000 के सीरीज का ही पार्ट था और ये तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। तो आप वो दोनों नहीं देखे हो तो वो चैनल पे जाओ, चैनल का मैंने प्लेलिस्ट बना लिया है बिहार दरोगा के नाम से, तो जितने भी उसमें वीडियो हैं वो सब भी देखो और ये भी देखो, आपके बिहार दरोगा के स्पेशल में ज़रूर ही फ़ायदा करेगा क्योंकि ये 1000 का बेस्ट करेंट अफेयर्स है, पूरे 2019 का बेस्ट करेंट अफेयर्स मैं इस सीरीज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हर तरीके से, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो इसको शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो फिर, तो फिर हम इसकी आज शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ और कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल दे दिया है, बीपीएससी एग्ज़ाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो उससे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। तो पहला इंडेक्स शुरू करते हैं, ये है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली बताता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत और स्ट्रांग है। तो उसमें भारत का रैंक है 86। इसमें टॉप देश कौन रहा, तो दो देश टॉप रहा, ये दोनों ही टाई है, यानी कि जापान और सिंगापुर, दोनों का जो पासपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होता है। और सबसे जो ख़राब पासपोर्ट का सबसे वीक है वो है अफगानिस्तान का पासपोर्ट, वो 109 पोजिशन पर। इस 109 पोजिशन पर अफगानिस्तान है, यानी कि ये भी आप कर सकते हो कि 109 देशों की रैंकिंग निकाली गई है जिसमें हमारा देश 86th पोजीशन पे है। तो ये रैंकिंग पूरा ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में एक ना एक आपको मिल ही जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूची जो है उसमें भारत का रैंक कितना है, तो वो 52 है। कितना? 52। और इसमें टॉप कौन रहा, तो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। अगला इंडेक्स देखो, 2018 ग्लोबल जीडीपी इंडेक्स है। इसमें ये देखना होता है कि किस देश का जो जीडीपी है वो ज़्यादा है, जो बहुत ही स्ट्रांग है इकोनॉमी, किस देश का सबसे स्ट्रांग है, किसका कम है, किसके किस पोजीशन पे उसका जीडीपी ग्रोथ है, ये चीज़ इस ग्लोबल में है। इसको निकालता कौन है, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसको निकालता है। और इसमें भारत का रैंक है 7वें रैंक पर है भारत, यानी 2018 वाला ही लिखा है, लेकिन इस ये जो निकाला गया है इंडेक्स, ये 2019 में ही इसको रिलीज़ किया गया है, लेकिन ये है 2018 का जो कि 2019 में रिलीज़ किया गया है, तो इस बात को आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। और इसमें टॉप देश कौन रहा, तो अमेरिका का जो जीडीपी है सबसे स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ है, मजबूत है यानी कि। तो और इसमें और अगर दूसरी की बात करें तो सेकेंड पे चाइना है और थर्ड पे जापान है, ठीक है, और 7वें पोजीशन पे भारत है, ध्यान रखिएगा। अगला इंडेक्स जो है सेफ सिटी इंडेक्स 2019, इसमें कौन सा शहर सबसे सेफ है, सबसे सुरक्षित है रहने के लिए, वो इसमें इस रैंकिंग में बताया जाता है। तो ये निकालता कौन है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको निकालता है, इस इंडेक्स को। और इसमें हमारा जो मुंबई है, मुंबई शहर, महाराष्ट्र के मुंबई, उसका 45वां रैंक है, जो हमारे देश माने इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन पूरे दुनिया में 45वें पोजीशन पे है।
इसमें टॉप शहर कौन है, तो टोक्यो, जापान का जो टोक्यो शहर है वो सबसे ज़्यादा रहने लायक, सबसे सुरक्षित जगह है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे अंतिम देश कौन है, सबसे अंतिम शहर कौन है, सबसे अंतिम पे, तो वो लागोस है। लागोस यहाँ पे रहने लायक बिल्कुल नहीं है, ये 60 में पोजीशन पे है। तो 60 कंट्रीज़ को ये, आई मीन 60 सिटीज़ को ये इस लिस्ट में को निकाला गया था, 60 शहरों के बीच में, जिसमें हमारा स्थान यानी मुंबई का स्थान जो है 45th आया। अगला है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड टूरिज्म के लिए है, इसमें कौन सा किस देश में ज़्यादा वो अपने टूरिज्म को अट्रैक्ट कर पाता है, कौन सा देश टूरिज्म में सबसे आगे है, तो उसको बारे में बात करी गई है। तो टूरिज्म में हम हैं 34वें स्थान पर, भारत का रैंक 34वां है। इसमें किस देश ने टॉप करा है, तो स्पेन। स्पेन जो है कि टूरिज्म में, यानी कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर घूमने जाते हैं, ज़्यादा तर लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है स्पेन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में स्पेन पहले पोजीशन पे, सबसे अंतिम में कहाँ, तो यमन। यमन यमन में बिल्कुल नहीं लोग जाना चाहते हैं, ये है 140वें पोजीशन पे। और इससे आपको ये भी मालूम चल गया कि 140 देशों के बीच में ये इंडेक्स निकाला गया है। इसको निकाला किसने है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको निकाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो भी निकालता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। चलिए फिर अगला रैंकिंग देखते हैं। IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 है। देखिए IMD का ये दो रैंकिंग आता है, एक और रैंकिंग मैं बताता हूँ, वो जो कि वेरी लेटेस्ट है, वो नवंबर महीने में ही वो रैंकिंग आया है, वो भी मैं बताऊँगा। IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है, जिसमें भारत का रैंक 44वां है। ये डिजिटल तौर पे इसको किया जाता है कि किस देश में डिजिटली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, डिजिटल चीज़ें, लोग ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ बहुत कुछ डिजिटल हो रहा है, तो इस चीज़ पर रैंकिंग करी जाती है। तो ये IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 जो है, जिसमें भारत का रैंक 44वें है। अमेरिका है जो टॉप देश, यानी अमेरिका में सबसे ज़्यादा डिजिटली चीज़ें उपयोग करी जाती है। और सबसे अंतिम पे है कौन, वेनेजुएला, जो कि 63rd पोजीशन पे है, ध्यान रखिएगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए, ये डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने डिजिटल देखा, तो अब देखिए IMD ही है लेकिन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, उसने डिजिटल में आपने देखा कितना रैंक है, अब ये IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का है 59। ये नवंबर महीने में ही ये रैंकिंग आई है, ठीक है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 है, जो कि भारत का रैंक 59 है। और टॉप देश कौन सा है, तो स्विट्ज़रलैंड है। और सबसे अंतिम पे कौन है, मंगोलिया है। तो ध्यान रखिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ करंट अफेयर्स का, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 जो है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ये भी देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 है, जिसमें भारत का 68 रैंक है, 68 है, एंड टॉप देश है सिंगापुर, और सबसे अंतिम पे चैड है, चैड रिपब्लिक, जो कि 141वां पे। तो ये भी आप यहाँ से क्लियर हो गया कि 141 देशों के बीच में ये रैंकिंग करी गई है, जिसमें भारत का 68 रैंक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है ऑक्सफैम वर्ल्ड इन इक्वलिटी इंडेक्स 2019। इन इक्वलिटी इंडेक्स 2019 ये एक्चुअली में बताता है कि किस देश में असमानता बहुत ज़्यादा है, असमानता इन द अमीरी और गरीबी के बीच में असमानता कितना ज़्यादा है, ये देखने के लिए है ये, ठीक है। कहाँ पे लोग जो गरीब के गरीब होते जा रहे हैं, अमीर के अमीर होते जा रहे हैं, उस चीज़ पे ये निकालता है। तो इसमें भारत का रैंक है 147, बहुत ही खराब, और टॉप देश जो है डेनमार्क है, ठीक है। इसमें इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो डेनमार्क है। तो ऑक्सफैम वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स 2019 जो है ये बताता है कि कहाँ पे असमानता है, किस देश में असमानता ज़्यादा है, और इस एक्चुअली में असमानता यानी अमीरी गरीबी का असमानता, कहाँ पे अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब का बीच का जो डिफरेंसेस है बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ में भारत का रैंकिंग है 147वां, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, अमीर अमीर ही है और गरीब एकदम से गरीब ही है।
इस चीज़ का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें टॉप देश है डेनमार्क। डेनमार्क वैसा देश है जहाँ पे ये असमानता बहुत ही कम है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे समानता ही है डेनमार्क में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूची है, कहाँ पे जो कौन सा देश सबसे शांत है इसमें ये देखना देखना होता है। 2019 का ये है। तो ये निकाला किसने है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इसको निकाला है इस रैंकिंग को। और भारत का रैंक है 141 और टॉप देश है आइसलैंड। कौन है आइसलैंड, सबसे शांत देश है, ध्यान रखिएगा। सबसे अंतिम पे कौन है, अफगानिस्तान, यानी सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान, जो कि 163 इसका पोजीशन है। अगला है ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2019, जो कि निकालता है एक एनजीओ है यूके में, यूनाइटेड किंगडम का एक एनजीओ है सेव द चिल्ड्रेन नाम का, यही ये रिलीज़ करता है ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2019, जिसमें भारत का रैंक है 113वां। कहाँ पे बच्चे ज़्यादा सेफ हैं ये चीज़ यहाँ पे इसमें निकाला जाता है, ठीक है। तो भारत का 113वां है और सबसे टॉप देश है सिंगापुर, यानी सिंगापुर में सबसे ज़्यादा सेफ रहते हैं बच्चे। और सबसे कम सेफ कहाँ पर रहते हैं, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन में, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन में सबसे अनसेफ हैं बच्चे, 176 रैंक है। इसी की तरह एक और रैंकिंग है किड्स राइट इंडेक्स 2019, इसमें भारत का रैंक है, एक्चुअली में यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 117 है भारत का रैंक इसमें, और चिल्ड्रेन वाला में कितना देखा था आपने, 113 है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किड्स राइट इंडेक्स में 117 है भारत का, 117 रैंकिंग है भारत का, और उस और चिल्ड्रेन वाले में 113, और टॉप देश है आइसलैंड और सबसे अंतिम है अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हुआ है। अब ये अगला बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है सिप्री, जो कि स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2018 है, बट ये निकाला गया है 2019 में रिलीज़ किया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, तो ये निकालता है एक्चुअली में कि कौन सा देश अपने मिलिट्री पे कितना खर्च करता है। तो मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला है इसमें अमेरिका अपने मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है, और हमारा देश है चौथे पोजीशन पे। तो हमारा चौथे पहर यानी कि, तो दूसरे तीसरे पे कौन है, तो दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे सऊदी अरबिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये टॉप 4 कंट्रीज़ हैं जो कि अपने मिलिट्री पे खर्च करते हैं बहुत ज़्यादा। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस, यानी कि आप कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा देश कितना ज़्यादा तैयार है, इस चीज़ पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिलीज़ करता है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है लंदन में, यूके में, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है। तो भारत का रैंक इसमें 19वां है, हम अति जो कि बहुत ही कम प्रिपेयर्ड हैं अति कैंसर के लिए, बहुत ही इसके लिए तैयार हम हैं नहीं। तो कितना तैयार, सबसे तैयार देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे तैयार देश है अपने कैंसर से लड़ने के लिए, ठीक है। और सबसे अंतिम पर कौन है, तो इजिप्ट है, जो कि इसका 28वां पोजीशन आया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। अगला सवाल है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019, इसमें प्रेस को कितनी स्वतंत्रता मिलती है, कितनी आज़ादी मिलती है, इस पर ये इंडेक्स निकाला जाता है। इसको निकालता कौन है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की संस्था इसको निकालती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019। तो इसको भारत का रैंक है 140वां, बहुत ही पुअर है। और टॉप देश कौन सा है, तो नॉर्वे में प्रेस का बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है, मीडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वतंत्र है ये नॉर्वे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे अंतिम देश कौन है, तो तुर्कमेनिस्तान है, जो कि 180 पोजिशन पर है। अब एक निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकालता है, जिसमें भारत का रैंक 76 है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, मतलब एनर्जी को कितना रिन्यूएबल एनर्जी में बदल रहा है भारत, कितना इस चीज़ में, तो वो 76वें पोजीशन पर है। सबसे टॉप देश इसमें कौन है, तो स्वीडन है इसमें टॉप देश।
अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 है, जिस जो निकालता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये निकालता है इस रिपोर्ट को, जो कि है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019। इसमें कौन सा देश कितना खुशहाल है इस चीज़ पर निकाला जाता है कि कौन सा देश कितना खुश है। तो भारत का तो बहुत पुअर है, बहुत ही ख़राब है, जो कि 140वें पोजीशन पर भारत है, जबकि टोटल 156 देशों को इसमें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 156 देश को इसमें 140 पोजीशन पर है भारत, यानी कि बहुत ही ख़राब पोजीशन है भारत का। और इसमें टॉप कौन है तो फिनलैंड, फिनलैंड अभी तक पूरे देश में सबसे खुशहाल देश है। तो फिनलैंड से याद रखिएगा, फिन यानी फाइन, फाइनलैंड यानी कि फाइन है, वो तो एकदम खुश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे अंतिम कौन है, साउथ सूडान, साउथ सूडान जो कि जिसका 2011 में ही सूडान से कट के सूडान से निकला है, साउथ सूडान बना है, सबसे यंग देश है अभी तक, ठीक है। आने वाले टाइम में शायद बोगनवेल सबसे यंग कंट्री हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला इंडेक्स है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019। ये एक्चुअली बौद्धिक क्षमता को बताता है कि किस देश में ज़्यादातर बौद्धिक क्षमता है। तो वो है भारत का रैंक है 36 यानी 36 पोजीशन पर भारत है, और इसमें टॉप देश है अमेरिका, अमेरिका में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सबसे अंतिम में है वेनेजुएला जो कि 50वें पोजीशन पे है। अगला रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 को निकालता कौन है, विश्व बैंक निकालता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्चुअली में बिजनेस करने के लिए कौन सा देश सबसे सटीक है, सबसे सही है, इस चीज़ को निकाला जाता है बिजनेस करने के लिए। तो इसमें भारत का रैंक 77 है, ठीक है, जो कि सुधार आया है पहले से भारत के रैंकिंग में। और इसमें टॉप देश कौन सा है तो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस करने के लिए सुटेबल जगह है। सबसे अंतिम पोजीशन पे है सोमालिया, यहाँ पे बिजनेस करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ये 190 पोजीशन पे है। अब ये एक अपना इंडेक्स है, भारत सरकार का ही इंडेक्स है, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। इसमें हम स्वास्थ्य इंडेक्स निकालते हैं अपने राज्यों में, तो इसमें तीन कैटेगरी में निकाला गया था, बड़े राज्यों पर निकाला गया था, छोटे राज्यों पर और केंद्र शासित प्रदेशों में निकाला गया। तो बड़े राज्यों में टॉप देश कौन है, केरल, केरल में हेल्थ इंडेक्स यानी कि स्वास्थ्य सूची में सबसे ऊपर है केरल, यानी केरल में स्वास्थ्य के लिए सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे अंतिम में कौन है तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे खराब पोजीशन है हेल्थ इंडेक्स में, नीति आयोग का ये हेल्थ इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में सबसे खराब पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में ही छोटे राज्यों में, अब बोल रहा है तो छोटे राज्यों में मिजोरम टॉप पर है, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर चंडीगढ़ है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में ही है। अगला ही बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो अभी आपने नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स देखा, अभी नीति आयोग का एक स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स भी आया था। तो नीति आयोग ने दो यदि इंडेक्स निकाला 2019 में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हेल्थ इंडेक्स में तो बड़े राज्यों में केरल टॉप में था, और वैसे ही एजुकेशन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी में भी केरल ही टॉप है, और अंतिम पे उत्तर प्रदेश उसमें हेल्थ इंडेक्स में भी था और इसमें भी था, ये बड़े राज्यों में, ठीक है। छोटे राज्यों में कौन है तो मणिपुर टॉप है, और सबसे अंतिम पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यही है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है नीति आयोग का, उसी में ही बता रहा हूँ। अब अंतिम इंडेक्स है जो कि बहुत ही लेटेस्ट इंडेक्स है, ये नवंबर महीने में ही निकला है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके दो तीन दिन पहले ही निकला है, ठीक है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 है, ये आतंकवाद से कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस चीज़ पे निकाला जाता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019, जिसमें भारत का रैंक 7वां है। इसमें टॉप देश है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये था बिहार दुर्गा स्पेशल का ये पार्ट 3 वीडियो, जो कि बेस्ट 1000 करेंट अफेयर्स में वेरियस इंडेक्सेस 2019 का आज ये टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप इसको ज़रूर पूरे बढ़िया से इसको देखकर ही एग्ज़ाम
को दोगे। और ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आप बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं बिहार दरोगा के, उसके साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आप इन चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक ऐसे ही किसी और लेसन के साथ। टिल देन, जय हिंद।